हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से नन्हे से व्लॉग में। तो आज हम लोग बना रहे हैं नींबू का अचार। तो नींबू के अचार के लिए सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। नमक, तिल का तेल, गरम मसाला, हल्दी, मेथी दाना और हींग और मिर्ची पाउडर। अब इस सब हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो कढ़ाई में हमने सरसों लिया है और सरसों को भून रहे हैं। अच्छी तरह से भूनेंगे। आवाज़ सुनिए। चलिए, इसे अच्छी तरह भून लिया है। इसे साइड में निकालेंगे अभी और फिर से इसमें मेथी दाना डालेंगे। इसे भी थोड़ा देर भून लेंगे और इसे भी साइड में निकाल लेंगे। चलिए, भून चुका है। अभी इसे पीस लेंगे। सिल्वर टाइप पे पीसेंगे हम इसे। आज स्पेशली सिलवटा निकाला है पीसने के लिए। ऐसे तो पीसते हैं हम लोग मिर्ची मिर्ची। तो अभी चलिए सरसों भी पीस लेंगे। चलिए, अभी सरसों भी अच्छी तरह से पीस लिया है हमने। अब अचार बनाएंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। वो जो तिल का बोतल दिखाए थे ना, वही तेल इसमें डाल रहे हैं। तिल का तेल डाल रहे हैं। अब इसमें मिर्ची पाउडर जाएगा। तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए पहले। मिर्ची पाउडर डाल दिया है। वाओ, रेड रेड। अब इसमें सारा मसाला जाएगा। अभी ये पिसा हुआ मेथी दाना और सरसों है। ये मसाले हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक। और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर चाहिए था इसलिए डाल दिया हमने। इसमें हींग डाला है अभी। और ये नींबू का रस है, पहले निकाल के रखा था, अब इसमें डाल देंगे। और हमने नींबू जो है 4 दिन पहले कट करके रखा था, उसके पीस बना के रखे थे। नमक डाल के उसे ढक के रखा था। अब 4 दिन के बाद हम लोग अचार बना रहे हैं। ये रहा। और जो हमने सब मिर्ची भुना था सभी, उसमें डाल देंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो अभी हमारा अचार ऑलमोस्ट बन गया। अभी मिक्स करना बाकी है। सो अभी रेडी है हमारा अचार। कितना इजी है, देखिए। आप भी बना सकती हो घर पे। चलिए, अब व्लॉग यही एंड करते हैं। सो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। चलो, बाय गाइस।
बाय बाय गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय 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 बाय.